संघ इकाई नोडल मेटा ज्ञान विज्ञान डीएलएड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है संघ इकाई नोडल मेटा। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात, आइए एक बार पुनः आपका स्वागत है और आज हम अध्ययन करते हैं हमारी जो अगली कड़ी है वर्गीकरण की, उसमें हमारा जो अगला टर्म है उसका अध्ययन करते हैं। और अगला टर्म है हमारा संघ इकाई नोडल मेटा। ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ होता है जाहक या कांटेदार, यानी जो इकाइनोस है उसका अर्थ ग्रीक भाषा में इकाई को जाहक या कांटेदार होता है। और डर्मा का अर्थ होता है त्वचा, अर्थात इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है और ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं, यानी इनकी जो त्वचा है वो कांटेदार होती है और ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं, अर्थात ये समुद्र में पाए जाते हैं। अब इनकी जो सामान्य विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। इस संघ के जंतुओं में पंचतई अर्य समिति पाई जाती है, यानी इन जंतुओं का जो शरीर है वह पंचतई अर्य समिति पाई जाती है। आपने द्वि पार्श्व समिति पढ़ा था कि उसके दो भाग करते हैं, तो हम इस तरीके से चित्र देख सकते हैं। इस तरीके से इनकी पंचतई अर्य होती है, जैसे इस तरीके से इसको हम पांच भागों में विभाजित कर सकते हैं। दूसरा है, इनका शरीर गोलाकार बेलनाकार अथवा सितारे के समान होता है, यानी इनका जो शरीर है गोलाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है और सितारा जो होता है उसकी तरह भी हो सकता है, यानी इस सभी तरह का शरीर का होता है। देहभित्ति में CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट की पट्टियों से बनी डर्मल अंतःकंकाल होता है जिन पर कांटे होते हैं, यानी इसका जो देहभित्ति है वह CaCO3 की बनी होती है और इस पर डर्मल अंतःकंकाल होता है जिस पर कांटे होते हैं, जिसका हम ऊपर भी जिक्र कर चुके हैं। अगला बिंदु है, इनके शरीर में जल संवहनी तंत्र होता है, यह शरीर के सभी भागों में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाता है, यानी इनका जो शरीर है उसमें जल संवहनी तंत्र पाया जाता है, जो इनके शरीर में जो भोजन होता है उसका सभी भागों में परिवहन करता है या वहाँ पर पहुँचाता है। जल संवहनी तंत्र नाल पादों से संबंधित होते हैं, यानी इनके जो जल संवहनी तंत्र हैं वह नाल पादों से संबंधित होते हैं, जो प्रचलन व भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं, यानी जो नाल पाद है वो इसको उसका भोजन करने में, चलने में, यानी जो इसके शत्रु होते हैं उनको पकड़ने में और भ्रमण करने में या चलने में गति करने में इनकी सहायता करते हैं। अगला बिंदु है, इन जंतुओं में पुनरुद्भवन की अपूर्व अक्षमता पाई जाती है, यानी इन जंतुओं में पुनरुद्भवन की अपूर्व अक्षमता पाई जाती है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो पुनरुद्भवन है वह क्या है, कि यदि हम उस जीव ये जीव है वह अपने शरीर के ही कुछ भागों से कलिकाएं तोड़कर विभाजित हो जाता है और नए जंतु का निर्माण करता है। जैसे इसमें उदाहरण है, तारा मछली है, समुद्री अर्चिन है या ब्रिटिल स्टार है। जैसे तारा मछली है, ये तारा मछली, ये इसका मुख है, ये बिंब है, ये नालिका पाद है। ऐसे ये समुद्री खीरा खीरे की जैसी आकृति है, इसलिए होलो यूरिया बोलते हैं इसको। स्पर्शक हैं, ये इसके स्पर्शक हैं, कॉलर है और नालिका पाद है। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपने ये जो टॉपिक है हमारा जो इकाई नोडल मेटा हुआ है समझ लिया होगा। आगे हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।